हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल रैम्बल विद एकेसी। और नए ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ब्लॉग होगा चार मीनार हैदराबाद के ऊपर। जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में बोला था, सी यू एट चार मीनार, तो चलिए आज मैं आपको लेके चलता हूँ चार मीनार और वहाँ पे विंडो शॉपिंग में आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या खरीद सकते हैं, क्या सही चीज़ होगी आपके लिए लेना और क्या नहीं, इस बारे में हम करेंगे इस ब्लॉग में चर्चा। चलिए दोस्तों, अगर आप फैमिली के साथ चार मीनार जा रहे हैं जैसे कि हम गए थे, और अगर आपके साथ अगर छोटे बच्चे हैं तो आपको एक छोटी पर्ची में अपना मोबाइल नंबर, एड्रेस और कुछ इन्फॉर्मेशन डालकर उनकी जेब में रख देना चाहिए, जस्ट फॉर द सेफर साइड। चार मीनार, जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, चकाचौंध की दुनिया, जहाँ पे आपको मोती वाले से लेकर कड़े वाले से लेकर बहुत सारी जगह आपको मिल जाएंगी जहाँ पे आप जाके विंडो शॉपिंग कर सकते हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कम दाम पर आप ला सकते हैं। गर्ल्स और लेडीज़ के लिए ये है एक जन्नत जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें आप सस्ते दाम पर ले सकते हैं। चार मीनार अगर आप पहुंच गए हैं तो यहाँ पे आप पूछ लीजिए कंगन वाली गली कहाँ पे है या बैंगल्स वाली गली कहाँ पर है, जहाँ पे आपको बैंगल्स ही बैंगल्स बहुत प्रकार के मिल जाएंगे और उसके साथ आपको जूते, चप्पल, बैग वगैरह वगैरह चीज़ें शॉपिंग के लिए मिल जाएंगी। हैदराबाद आ रहे हैं आप और अगर मोती से रिलेटेड कोई चीज़ ना लें, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पर मोती की परख होना बहुत ज़रूरी है। आपको 50 रुपए की मोती की माला भी मिलेगी और 50 लाख की मोती की भी माला मिलेगी। वहाँ पे चलते चलते रास्ते में आपको लोग बोलेंगे 100 रुपए की एक माला है, आप आसानी से 50% कम करके उनसे बोल सकते हैं, 50 रुपए में दो माला भी दे देते हैं। लेने देने के लिए मालाएं वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी मिल जाएंगी, बट असली मोती की माला लेने के लिए आपको सही जगह पर जाना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए भी मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा कि कहाँ पर आप जाके ऑथेंटिक और सही मोती की माला ले सकते हैं या मोती से बनी चीज़ें ले सकते हैं। एक चार मीनार के नीचे अगर आप खड़े हों तो चारों ओर अगर आप देखें तो शॉपिंग की सारी चीज़ें बनी हुई हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। खाने पीने के भी छोटे छोटे बहुत सारे स्टॉल मिल जाएंगे आपको। चार मीनार के पास सबसे बेस्ट खाने का अगर आप देखें, शाहगोश इज़ द बेस्ट, जहाँ पे आप जाके बिरयानी खा सकते हैं। बार्गेनिंग आप कर सकते हैं दिल खोल के, जितना भी बार्गेनिंग स्किल आपको यहाँ पे आजमानी है आप आजमा सकते हैं। इफ़ यू आर एक्सट्रीमली लकी यू कैन गेट द स्टफ़ इन वेरी चीप रेट। चार मीनार अगर आप जा रहे हैं तो शाम को जाइए, काफ़ी इन्जॉय करेंगे, लाइट्स भी बहुत अच्छी लगती हैं देखने में, बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप कार से ट्रैवल कर रहे हैं और कार से अगर आप हैदराबाद पहुंचे हैं, कार को होटल में ही पार्क कर दें और उसके बाद टैक्सी लेकर चार मीनार जाएं। पार्किंग की व्यवस्था वहां पे अच्छी नहीं है, बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तो आप कार ना लेके जाएँ वही बेहतर होगा। दोस्तों, अगर आप पहुँच गए हैं चार मीनार और अगर आपको लगी है ज़ोरों की भूख, चाहे वो हो लंच का टाइम या फिर डिनर, अगर आपको चाहिए वेजिटेरियन फूड तो आप चार मीनार पर जा सकते हैं। आनंद भवन नाम का एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप जाके प्योर वेज का लुत्फ उठा सकते हैं। और अगर आपको भूख नहीं भी लगी है तो यहाँ जाकर प्लीज़ मेरे खातिर चाय ज़रूर पीजिएगा, बहुत ही उम्दा, बहुत ही स्वादिष्ट चाय बनाते हैं यहाँ पर और आप बिल्कुल रिफ्रेश हो जाएंगे इस चाय को पी के। चलिए दोस्तों, चार मीनार अगर आपने काफ़ी घूम लिया है, थकान सी महसूस हो रही होगी, कहाँ जाएं इसके बाद?
मैं सजेस्ट करूंगा आप जाइए नेकलेस क्वीन रोड, जहां पे आप जाके रिलैक्स हो सकते हैं। ईट स्ट्रीट में जाइए, वहां बैठिए, हुसैन सागर लेक के नज़ारे लेते हुए, लाइटिंग शो देखते हुए वहां पे आप कुछ खा सकते हैं शाम को, और रिफ़्रेश हो सकते हैं और वापस होटल में या घर आ सकते हैं। ईट स्ट्रीट नेकलेस क्वीन रोड पर जाकर आप थोड़ा बहुत खा सकते हैं, वहाँ पे वेज और नॉन वेज दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल हैं। वहाँ पे आप थोड़ा बहुत खाकर बैठकर हुसैन सागर के नज़ारे ले सकते हैं और अपनी थकान मिटा सकते हैं। मेरा नाम राम है, मैं यहाँ पे गोफ्रेश में काम करता हूँ। अपना यहाँ पे शॉप है गोफ्रेश स्टेट नेकलेस रोड हुसैन सागर हैदराबाद। सब आ जाएगा, अच्छा रहता है, हेल्थी फूड है, जूसेस भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। थैंक यू। हैदराबाद का सेल्फी पॉइंट था, वहाँ पे फोटो खिंचा लिया, यहाँ पे वीडियो में भी आपको दिख रहा होगा पीछे। जगह है राइट साइड में, हुसैन सागर है बिल्कुल बाजू से लगा हुआ है, और यहाँ पे छोटा सा गार्डन बना हुआ है, आप आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, क्वालिटी टाइम यू कैन स्पेंड विथ योर फ्रेंड्स फैमिली। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया है, आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियो आना बाकी है। हैदराबाद सीरीज अभी ख़त्म नहीं हुई है, अगले वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप हैदराबाद आ रहे हैं तो ऐसी कौन सी जगह है और ऐसा कौन सा शॉप है जो हैदराबाद का सबसे पुराना शॉप है, जहां से जाके आप सर्टिफाइड और ऑथेंटिक मोती खरीद सकते हैं विथ डिस्काउंट। तो बने रहिए अगले वीडियो के लिए। विद दैट सेड, टेक केयर। मतलब जितना बारीक पॉल उतना ज़्यादा कॉस्ट, क्योंकि उसके में काम ज्यादा रहता है सर, इसलिए ना।